नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए हाल ही में रात के समय दिल्ली के अलग अलग स्थानों के साथ साथ पुलिस थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से बात की और उनसे ड्यूटी के समय आने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव पदभार संभालते ही मिशन मोड पर कार्य कर रहे हैं। इसी की बानगी देखने को मिली जब पुलिस आयुक्त ने राजधानी में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मध्य रात्रि में अलग अलग स्थानों का औचक दौरा किया। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने रात के समय सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की उपस्थिति और इस दौरान उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की वास्तविकता की जाँच की। साथ ही पुलिस आयुक्त ने पिकेट, पेट्रोलिंग ड्यूटी और पुलिस थानों में मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की। पुलिस आयुक्त ने औचक निरीक्षण के दौरान आरकेपुरम, साउथ कैंपस और दरियागंज पुलिस थानों का भी दौरा किया। उन्होंने थाने में मौजूद शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत की और उन्हें हाल ही में शुरू की गई एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली यानी ICMS की विशेषताओं और पुलिस थानों में आए बिना ई शिकायत दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट का उपयोग करने के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही पुलिस आयुक्त ने ICMS और व्यवहार कौशल पर पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण और दिल्ली पुलिस की शिकायत ई फाइलिंग सुविधाओं को YouTube ट्यूटोरियल्स के जरिए जनता के बीच अधिक लोकप्रिय बनाने पर भी जोर दिया। पुलिस आयुक्त ने निरीक्षण में रात्रि गश्त करने वाले कर्मचारियों का भी मूल्यांकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अंतर्गत आने वाले पुलिसकर्मियों का पूरा ध्यान रखें, साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ाएं। इसके अलावा पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने लाल किला और गाजीपुर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने मंडावली ATO पुष्पलता से मुलाकात की और किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान अक्षरधाम में भीड़ को नियंत्रित करने में अनुकरणीय बहादुरी दिखाने के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा की। दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक अहम चुनौती है। इसी के मद्देनजर पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने विशेष समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में कोविड प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करने और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में स्थिति के अनुसार बदलाव करने और उसे और पुख्ता बनाने पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त और किन किन विषयों पर की गई चर्चा, जानने के लिए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना महामारी फिलहाल काबू में है, लेकिन जरा सी ढिलाई फिर से स्थिति को बिगाड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि सार्वजनिक स्थलों पर लोग कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर नियमों का सख्ती से पालन हो, इसकी खास जिम्मेदारी पुलिस पर है। इसी के मद्देनजर पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली कोविड और अपराध समीक्षा बैठक की और जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने और स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने सभी जिला उपायुक्तों को आतंकवाद विरोधी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया, जिसमें होटल और गेस्ट हाउस की जांच, किराएदारों और घरेलू मदद का सत्यापन, सेकेंड हैंड कार डीलरों और साइबर कैफे आदि की जांच शामिल है। साथ ही पुलिस आयुक्त ने सूचना एकत्र करने और संदिग्ध और नापाक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आंख और कान योजना को फिर से सक्रिय करने के भी निर्देश दिए। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में कोविड नियमों के पालन में कोई भी ढिलाई न बरतें और ये सुनिश्चित करें कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं। कुछ प्रमुख बाजारों में भीड़ बढ़ने की रिपोर्टों को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि DDMA के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए मार्केट और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बैठक में पुलिस आयुक्त ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर
पुलिस की मौजूदगी को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया, जिससे शरारती तत्वों पर लगाम लगाई जा सके और महिलाओं, बच्चों और आम लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। इसके अलावा पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने सहायक पुलिस आयुक्तों की अध्यक्षता में पुलिस थानों में जन शिकायत निवारण इंटरफेस जन सुनवाई की शुरुआत किए जाने की सराहना की। प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली इस जन सुनवाई में शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या रख उसका समाधान भी पा सकेंगे। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं, ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं, अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें, अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। द्वारका जिला पुलिस ने 2 तस्कर नसीब और सुनील को गिरफ्तार किया है। कुतुब विहार इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छावला दिशा से कार में अवैध शराब छिपाकर लाई जा रही है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर नाकेबंदी की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 40 कार्टन अवैध शराब बरामद करते हुए तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। चितरंजन पार्क इलाके में एक महिला से हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए दक्षिण जिला पुलिस ने 2 लुटेरों और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। लुटेरे उस वक्त महिला का बैग छीनकर फरार हो गए थे जब वो कार से उतरकर अपने घर जा रही थी। लूटपाट की ये वारदात घर के बाहर लगे CCTV में कैद हो गई। इसी बाबत मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने छानबीन की और 24 घंटे के भीतर ही लूटपाट में शामिल 2 आरोपियों समेत सामान के एक रिसीवर को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। मादक पदार्थ की तस्करी में लगे एक शातिर तस्कर विनोद को दक्षिणी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए ये मादक पदार्थ की तस्करी में लगा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मादक पदार्थ तस्कर BRT रोड पर आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। आदर्श नगर इलाके में हुई लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसे संगीन मामले को सुलझाते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रात के समय काम से लौट रहे एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था और लूटपाट कर मौके से फरार हो गए थे। इस बाबत मिली PCR कॉल पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने CCTV, टेक्निकल सर्वेलांस और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को उनके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़ित के आधार व पैन कार्ड बरामद करते हुए वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है।
सिविल लाइन इलाके में एक शख्स के ऊपर हुए जानलेवा हमले की साजिश में शामिल एक आरोपी अनिल को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल घायल शख्स अमरपाल हाल ही में पैरोल पर जेल से बाहर आया था और उसी ने अपने ऊपर हमले की साजिश रची थी। इसमें उसने अपने रिश्तेदार अनिल के द्वारा ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी, जिसके बाद उसका इरादा अपने दुश्मन ओमवीर पर इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाने का था। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को उसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने दो कुख्यात ऑटो लिफ्टर्स विजय और अजय को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो ऑटो लिफ्टर्स किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से चोरी की बाइक से बवाना इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस टीम ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और मुखबिर द्वारा पहचान करने पर दोनों ऑटो लिफ्टर्स को धर दबोचा। पूछताछ में वो बाइक के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिप नेट के जरिए पड़ताल करने पर बाइक चोरी की निकली। बाद में पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चुराए गए कुल 7 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने रेल टिकटों की कालाबाजारी और यात्रियों से जबरन उगाही करने के आरोप में शशि भूषण भास्कर और हेमंत को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई प्रमुख ट्रेनों के टिकट अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के नाम से पहले से ही कटाकर रख लेते थे। फिर ये इन टिकटों को रेलवे काउंटर पर कंफर्म टिकट की तलाश में लगे लोगों को कई गुना दामों पर ब्लैक कर देते थे। आरोपी जीटी एक्सप्रेस से चेन्नई जाने की टिकट लेने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए एक व्यक्ति को कंफर्म टिकट देने का झांसा देकर अपने साथ कमला मार्केट स्थित एक दुकान पर ले गए, जहां बतौर एडवांस 3,600 रुपए लेकर 4 घंटे बाद आकर टिकट लेने को कहा। बाद में इन्होंने पीड़ित को डरा धमका कर 12,000 रुपए और अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से कर दी। पुलिस ने मामले की छानबीन कर महज कुछ घंटे के अंदर ही सबसे पहले पहाड़गंज से शशि भूषण भास्कर को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर हेमंत को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से कुछ ट्रेन के कंफर्म टिकट भी बरामद कर लिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे एक अपराधी श्याम शंकर को गिरफ्तार किया है। श्याम शंकर पर गाड़ी पार्किंग के लिए फर्जी पर्चियां जारी करने का आरोप है। इसकी शिकायत संबंधित एजेंसी ने पुलिस में कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद श्याम शंकर कोर्ट में पेशी पर नहीं आया, जिसके चलते पटियाला हाउस कोर्ट ने श्याम शंकर को भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई सालों से फरार श्याम शंकर बिहार के मोतिहारी स्थित अपने घर पर छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने हाई कोर्ट और जिला अदालतों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी रक्षित गौतम को गिरफ्तार किया है। आरोपी को लोग धागे वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। रक्षित गौतम नौकरी की चाह रखने वाले लोगों को झांसा देकर उनसे फॉर्म भरवा लेता था। इसके एवज में यह उनसे लाखों रुपए वसूल लेता था। इस तरीके से अभी तक ये 18 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। खास बात यह है कि गौतम नौकरी के लिए भरवाए गए फॉर्म को दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की नकली मोहर और हस्ताक्षर कर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी भेज देता था। फॉर्म वेरिफिकेशन करते समय पुलिस को रजिस्ट्रार की मोहर और हस्ताक्षर के नकली होने का शक हुआ। सत्यापन वाले अभ्यर्थी को बुलाकर जब पुलिस ने उससे जानकारी इकट्ठी की तो रक्षित की सारी पोल पट्टी खुल गई। इस आधार पर पुलिस ने रक्षित उर्फ धागे वाले बाबा के फोन और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपने रडार पर ले लिया। इसके बाद पुलिस ने मेरठ स्थित इसके घर पर दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसमें से पुलिस को पीड़ितों को दिए गए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर का फॉर्मेट, दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों से संबंधित विभिन्न पत्रों और आदेशों के प्रारूप मिले हैं।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली एनसीआर में ऑटो लिफ्टिंग करने वाले कुख्यात तालिब गैंग के एक सदस्य शराफत को गिरफ्तार किया है। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए शराफत ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने में लगा था। सड़क किनारे पार्क किए गए किसी भी वाहन को चुराने में शराफत को महारत हासिल थी। शराफत दिल्ली से वाहन चोरी कर उत्तर प्रदेश के लोनी में रहने वाले तालिब के हवाले कर देता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराफत शिव विहार इलाके में चोरी की बाइक से किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी की 5 और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी फिरोज और शाहरुख को गिरफ्तार किया है। शाहरुख पर 14 अन्य मामले पहले से ही दर्ज हैं। गाजीपुर इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर 2 संदिग्ध लोगों को कोंडली से आनंद विहार की तरफ जाते हुए देखा। पुलिस ने इन्हें रोककर पूछताछ की। जांच पड़ताल में बाइक पर लगी नंबर प्लेट नकली निकली, जो गाजीपुर इलाके से चुराई गई थी। इस आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए इनकी निशानदेही पर चोरी की 3 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हैं। द्वारका जिला पुलिस ने लूट की झूठी कहानी गढ़ने वाले एक ऑटो ड्राइवर सुमित पाल को गिरफ्तार किया है। सुमित ने PCR कॉल कर लूटपाट और ऑटो छीनने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए सूचना इकट्ठी की, तो ये बात सामने आई कि इस तरह की कोई वारदात इलाके में हुई ही नहीं है। शक के आधार पर जब पुलिस ने सुमित पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने लूटपाट की कहानी झूठी होने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसका ऑटो UP के भोपुरा इलाके से चोरी हो गया था, जबकि उसके पास परमिट केवल दिल्ली का था। यूपी से ऑटो चोरी होने पर सुमित को इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए सुमित ने योजना के मुताबिक द्वारका इलाके में आकर लूटपाट की झूठी कॉल कर दी। फेक कॉल की पोल खुलने पर पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी जिला पुलिस ने लूटपाट करने के आरोप में शहजाद और पवन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पहले से ही लूटपाट और स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। त्रिलोकपुरी इलाके में स्थित कोंडली ब्रिज के पास गश्त कर रही पुलिस टीम ने किसी व्यक्ति के चोर चोर शोर मचाने की आवाज सुनी। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर पाया कि 2 लोग बड़ी तेजी से निकलकर भाग रहे हैं। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए ने धर दबोचा। पकड़े जाने पर इनकी पहचान कुख्यात रॉबर शहजाद और पवन के रूप में हुई। इनकी तलाशी लेने पर पुलिस ने लूटा गया एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी छावला इलाके का नामी बदमाश है और हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहा है। अपने भाई के साथ मिलकर ये दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के गोरख धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मादक पदार्थ तस्कर दीनपुर एक्सटेंशन इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 25 ग्राम हेरोइन जब्त करते हुए एक देसी पिस्तौल और 7,000 रुपए नकदी भी बरामद कर ली है। वाहन चोरों के कुख्यात मेवाती गैंग का पर्दाफाश करते हुए मध्य जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर साजिद और मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सगे भाई हैं और वाहन चोरी के इरादे से ही दिल्ली में दाखिल हुआ करते थे। यहां से वाहन चुराने के बाद ये उन्हें मेवात, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में सस्ते दाम पर बड़ी आसानी से बेच दिया करते थे। बीते 2 साल में ये वाहन चोरी की 100 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वाहन चोरी के मकसद से मेवाती गैंग के 2 शख्स नई दिल्ली रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए
9 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने चाकू की नोक पर नकदी और एटीएम कार्ड लूटकर उससे 72,000 रुपए निकालने वाले लुटेरों के गैंग का भंडाफोड़ किया है। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने साउथ एक्स जाने के लिए कैब हायर की थी। कुछ दूर जाने पर टैक्सी ड्राइवर और उसके दो साथियों ने चाकू की नोक पर उससे पैसे और 3 एटीएम कार्ड लूट लिए। साथ ही उन्होंने उसे धमकाकर तीनों कार्ड्स के पिन नंबर भी ले लिए। बाद में एटीएम से पैसे निकालकर उसे अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास उतारकर वो फरार हो गए, लेकिन पीड़ित ने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। टैक्सी के नंबर के आधार पर जानकारी इकट्ठा कर पुलिस ने त्रिलोकपुरी में दबिश देकर एक लुटेरे सुरेंद्र उर्फ सागर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर अन्य लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मामा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। इसी में अपना सहयोग देते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा युवा योजना के तहत नौजवानों को कोविड हेल्थ केयर में कार्य करने के लिए खासतौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने का अवसर तो मिलेगा ही, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित स्टाफ की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। भारत में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में भी स्थिति काबू में है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अब निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि स्थिति बेकाबू होने में देर नहीं लगती। वहीं विशेषज्ञों द्वारा कोविड की तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर फिर से दबाव पड़ना लाजमी है। कोरोना की दूसरी लहर की तरह स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराए नहीं और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर भी कदम उठाने में लगी है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही युवा स्कीम के तहत नौजवानों को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में युवाओं को मुख्य धारा में लाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के समन्वय से समाज के वंचित वर्गों के 20 युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। 12 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया और उनमें से 5 को फोर्टिस अस्पताल में ही प्लेसमेंट प्रदान किया गया। साथ ही 2 अन्य उम्मीदवारों को भी फोर्टिस अस्पताल द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी और फोर्टिस अस्पताल के जोनल डायरेक्टर ने सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र दिए। इन युवा उम्मीदवारों को फोर्टिस अस्पताल में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, फ्रंटलाइन कोविड हेल्थ वर्कर, ऑपरेशन ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स, कोविड प्रोटोकॉल, रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्योरिटी, होम केयर असिस्टेंट, CPR और डोमेस्टिक हेल्थ वर्कर जैसे क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। युवा स्कीम का उद्देश्य युवाओं को कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में मुख्य धारा में लाना और उन्हें अपराध की दुनिया से दूर रखना है। इस प्रक्रिया में दिल्ली पुलिस कोविड 19 की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों का एक पूल भी बनाने में जुटी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।